chat when we discussed about sex determination in human beings. Now coming on to the next topic, how variations helps organism to survive. So here is the example that there are some beetles living in green bushes. They increase their numbers by reproduction, but crows can easily see the red beetles. Means two variations of beetles were there, one is green and one is red. So easily captured beetles were red and they are eaten by the crows. During reproduction, due to some variation, some green beetles are produced instead of red beetles. The green beetles are not visible to crows and are not eaten by them. So gradually the population of red beetle decrease and the population of green beetle increase. This variation has helped the organism to survive. So jaisa ki humne is paragraph mein dekha ke pehle red beetles easily captured ho ja rahe the crows ke dwara, par jaise jaise red beetles reproduce kar rahe the to kuch variation aaye, color mein kuch variation aaye, uske karan ग्रीन बीटल्स प्रोड्यूस हुए और उस ग्रीन बीटल्स के कारण बीटल्स की पॉपुलेशन बढ़ गई, क्योंकि ग्रीन बीटल्स बुशेस में इतने इजीली दिख नहीं रहे थे. इसीलिए ये एक एडवांटेज है वेरिएशन का. सम वेरिएशन डोंट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव. जैसे कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ कलर वेरिएशन अकर इन रेड बीटल्स एंड सम ब्लू बीटल्स आर प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ रेड बीटल्स. बोथ द रेड एंड ब्लू बीटल्स आर विजिबल टू क्रोस आर रिटन बाय देम. मतलब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, कभी कभी वेरिएशन फेल भी हो जाते हैं. जैसा कि कुछ रेड बीटल्स ने रिप्रोड्यूस किया सेक्सुअली बट प्रोड्यूस ब्लू कलर हुआ, तो इससे क्या नुकसान हुआ, रेड भी कैप्चर हो रहे थे क्रो के द्वारा और ब्लू भी कैप्चर हो रहे थे. तो ये वेरिएशन का बैड इफेक्ट था. एक्वायर्ड ट्रेट्स कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. मतलब इफ द पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स इंक्रीज एंड प्लांट्स आर अफेक्टेड बाई डिजीज, देन फूड अवेलेबल फॉर द बीटल डिक्रीज एंड देयर बॉडी वेट ऑल्सो डिक्रीज. इफ आफ्टर अ फ्यू ईयर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इंक्रीज, देन द बॉडी वेट ऑफ द बीटल्स ऑल्सो इंक्रीज. दिस एक्वायर्ड ट्रेट कैन बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. मतलब एक्वायर्ड ट्रेट, मतलब सिंपली अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अगर एक बेबी कमज़ोर पैदा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफ टाइम कमज़ोर रहेगा. एक टाइम आएगा जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगा तो वो अपनी हेल्थ ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेगा. तो इसमें ऐसा ही एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक बीटल अगर एक बीटल्स के पेरेंट्स है तो अगर उस टाइम पे प्लांट डिजीज स्प्रेड हुई और वो बीटल्स ने जो यंग वन प्रोड्यूस किया है वो वीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आने वाली उसकी जनरेशन वीक होगी. अगर आने वाली जनरेशन को प्रॉपर न्यूट्रिशन और विटामिन वगैरह सब मिलेगा, प्रॉपर सनलाइट वगैरह, तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा. इसीलिए एक्वायर्ड ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन नहीं पास होती है, इनहेरिटेंट ट्रेट ही पास होते हैं. स्पीशिएशन, तो स्पीशिएशन क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज मेनली ड्यू टू वन और मोर फॉलोइंग फैक्टर्स. एग्जाम्पल अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन की स्पीशिएशन, अचानक से एकदम स्पीशीज में चेंजेस वगैरह आना, अभी किस कारण से आ सकता है, फिजिकल बैरियर्स, मतलब पॉपुलेशन में भी फिजिकल बैरियर्स लाइक माउंटेन्स रिवर्स, आइसोलेटेड ग्रुप में अलग अलग स्पीशीज होना वो फिजिकल बैरियर है. अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन मतलब अलग अलग जगह अलग अलग बहुत सारे वेरिएशन आते जा रहे हैं. जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब कुछ कैलमिटी आई जैसे सुनामी हुआ, अर्थक्वेक हुआ, उसके कारण कुछ चेंजेस आए तो उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है. और माइग्रेशन मतलब कोई भी स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर गया, तो इन सारे कारणों से नया स्पीशीज बनता है पुराने स्पीशीज से. अब इवोल्यूशन मतलब कुछ ड्रास्टिक चेंज आना, द ग्रेजुअल चेंज टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म. जैसा कि धीरे धीरे हम सबको पता है कि ह्यूमंस आर इवॉल्व फ्रॉम एप्स, तो उसी तरीके से इवोल्यूशन होता है. अब इसमें आके दो ट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे. इनहेरिटेड मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास हो रहा है उसे बोलते हैं इनहेरिटेड, और एक्वायर्ड मतलब जो सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है. जैसा कि पिछले में मैंने एग्जाम्पल बताया था बीटल्स वाला, उसी तरीके से ह्यूमंस में भी जो इनहेरिट मतलब हमारी आइज का कलर हुआ, हमारा बॉडी टोन हुआ, या हमारे हेयर डेवलपमेंट या हेयर बॉडी हेयर हुआ, वो सब इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं. पर एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में अगर सब लोग पतले तो आप पतले ही रहोगे. वो आपकी डाइट पे डिपेंड होता है कि अगर जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आप ओबेस भी हो सकते हो. पर एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, तो अलग अलग ऑर्गन्स के हिसाब से एविडेंस शो किया गया है, जिसे बोलते हैं होमोलोगस और एनालोगस, जिसके बारे में अभी आप डिस्कस करेंगे. तो होमो मतलब सेम, जिसका जो भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर सेम है पर फंक्शन डिफरेंट है, उसे बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन. ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो जो फोर लिम्ब ऑफ एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, उन सबका स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन अलग है. और एनालोगस का उल्टा, स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर फंक्शन सेम है. जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है बट फंक्शन एक ही है. और फॉसिल्स, जो भी रिमेनिंग होता है ऑर्गेनिज्म का जो बहुत लाइफ से चलते आ रहा है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स अपन मतलब जो डेड रिमेन है, जो एक एविडेंस दे रहा है कैसे इवोल्यूशन वगैरह हो रहा है, कैसे चेंजेस आ रहे इतने सालों से, उसको बोलते हैं फॉसिल्स.
इवोल्यूशन बाय ऑफ आइस, जैसे आइज ऑफ प्लेनेरी आर जस्ट आई स्पॉट्स टू डिटेक्ट लाइट, इट डेवलप ग्रेजुअली इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इनटू हायर एनिमल्स. धीरे धीरे इवोल्यूशन ऑफ आइज हुआ, फेदर्स का इवोल्यूशन हुआ, फिर अलग अलग प्लांट्स में भी इवोल्यूशन हुआ, जैसे कैबेज, कोलारबी, ये अलग अलग ब्रोकोली, ये सारे इवोल्यूशन है कि कैसे एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल ने अलग अलग वेजिटेबल्स में इवोल्यूट किया है. एम्ब्रियोलॉजी हमें इतना डीप में नहीं पढ़ना है, ह्यूमन इवोल्यूशन भी इतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बस जस्ट नोट के लिए कि ह्यूमन इवोल्यूशन में जैसा कि हमने नॉर्मल क्लेचर में पढ़ा था, ह्यूमंस को होमोसेपियंस बोलते हैं और ये मेनली एप से इवोल्यूट हुए हैं. ये रहा पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन का चार्ट. सो दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.